हाय फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लेके आए आलू सैंडविच। तो जिसके लिए मैंने 5 आलू ले लिए हैं। मैंने आधा टमाटर यहाँ पे काट लिया है, बारीक बारीक शिमला मिर्च है, बारीक प्याज है, एक हरी मिर्च है, और ये मैंने यहाँ पे अपने गाजर को थोड़ा कद्दूकस कर दिया है, और हमारी कुछ ब्रेड स्लाइसेस। तो चलिए देखते हैं हमें किस तरह बनाना है। तो हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें अपने आलूओं को डाल देंगे। इन्हें अच्छे से हमें मैश करना है। अच्छे से एकदम फोक की मदद से अच्छे से कीजिएगा, एकदम मैश हो जाए आलू। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे अपनी। फ्रेंड्स, इसको एकदम बारीक काटिएगा। और ये हमारी गाजर, हरी मिर्च और टमाटर। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो देखिए, मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें केचप डालेंगे, टोमेटो सॉस अपना, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप फ्रेंड्स नमक और मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप जितना कम तीखा या ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं उसी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, मैं कम इसे चटपटा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ये सैंडविच बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसे तीखा नहीं बना रही हूँ। तो चलिए, हमारा मिक्सचर रेडी है। तो अब अपने स्टफिंग को ब्रेड पे लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपने ये आलू का मिक्सचर हम अपने ब्रेड पे लगा लेंगे अच्छे से। अच्छे से फ्रेंड स्टफिंग लगाइएगा, कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरह स्टफिंग लगाएंगे नहीं उससे बढ़िया टेस्ट आएगा इसके ऊपर। तो हमें सारे सैंडविच इसी तरह अपने बना लेना है। तो देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, ये बहुत अच्छा सैंडविच बनता है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप, ये बहुत मस्त बनता है। तो हमें सारे ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी स्टफिंग अपनी ब्रेड स्लाइसेस पे लगा ली है। अब एक एक ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे हम, अच्छे से इसे दबा देंगे। तो देखिए, मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेस अपनी स्टफिंग पे लगा दिए। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपना तवा गर्म होने चढ़ा दिया। अब इसमें हम अपना बटर डाल देंगे। बटर फ्रेंड एकदम अच्छे से डालिएगा। और ब्रेड कर देंगे इसको। और इसे अच्छे से हमें ब्राउन करना है, ब्रेड हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाए। बटर डालने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बटर डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, बहुत मस्त लगेगा। तो चलिए अब अपने ब्रेड को हम पलटते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, गोल्डन कलर है एकदम, इस पर लाइट गोल्डन कलर। दूसरी भी पलट देंगे। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है हमारा सैंडविच। दूसरी तरफ से भी हमें थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा भी सेकने के लिए अपने पैन पे रख दिया है, इसे भी अच्छे से हम सेक लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपना पलटते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा सैंडविच। तो इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए सेकना है। तो चलिए हम निकालते हैं, अब हमारा सैंडविच तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सैंडविच तो बनके तैयार हैं। तो देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमें अपने बच्चों को इसी तरह ही देना पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा नखरेबाजी भी करते हैं, तो इसलिए स्माइली बना के दिए, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उनके लिए इसी तरह बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए ऐसे ही, तो ताकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।